गुजरांवाला से एक नौजवान, जरा ऊंची, हाँ ठीक, गुजरांवाला से एक नौजवान का सवाल है। कहते हैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या पत्थर भी इंसान पर असरअंदाज होते हैं? पत्थर जी, पत्थर। अच्छा। और अपने सितारे से मिलता जुलता पत्थर लेना जायज है? सितारा कौन सा है उनका? अजीब गरीब बातें हैं। इंसान पर तो आजकल इंसान भी असरअंदाज नहीं हो रहा, जहां अच्छी बातें हैं वहां तो असरअंदाज नहीं हो रहा, बुरी बातों में हो रहा है। तो अगर ये रुझान है तो पत्थर से तो फिर पत्थर दिल ही बनेंगे आपके। ये तवहामात की बातें हैं। कुरान करीम इंसान की इस्लाह के लिए कामिल किताब बन के आया है। हज़रत अब्दुस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत का पाक और कामिल नमूना बनकर तशरीफ़ लाए, आपको अभी तक पत्थरों ही की तलाश है। सर फोड़ने के लिए आप कहते तो मैं मान लेता, लेकिन मुकद्दर बनाने के लिए इन पत्थरों की तरफ रुजू करना जहालत है। यही पत्थर तो हैं जो बुत बन जाया करते हैं। फिर इसलिए खुदा का खौफ करें, अपना मुकद्दर ढूंढने तो कुरान में ढूंढें, हदीस में ढूंढें। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम इन्हीं पाक चीज़ों को दोबारा राइज करने के लिए तशरीफ़ लाए, आपसे समझें, और इससे बड़ा पारस पत्थर कोई नहीं हो सकता।